सरकार द्वारा एक नया कानून लागू कराया है जो कि बिल्कुल सरेआम गलत है। उसको तो जो हमारी सेक्रेटरी हैं, जो हमारे और अफसर, उन्होंने नहीं समझ में आ रही भाई कानून है कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने तो फ्री कर रखी थी, कोई टैक्स नहीं था। कच्ची सब्जी है, फ्रूट है, इसके ऊपर टैक्स भरना कहाँ की इंसाफी है? ये हड़ताल हमने यूँ करी कि ये एडवांस में जो मार्केट फीस मांग रहे आड़तियों के पास भी इतने पीछे कहाँ, वो किसान को एडवांस भी देवे और भाई लेने वाले को उधार भी देवे। हरियाणा में आम जन के लिए आज परेशानी बढ़ गई है क्योंकि एडवांस मार्केट फीस जमा करवाने के नियम से सब्जी मंडी आड़तियों में सरकार के प्रति गुस्सा साफ नजर आ रहा है, जिसके चलते आड़तियों ने आज यानी कि 20 दिसंबर को सब्जी मंडी बंद करने का ऐलान किया था और इसी के चलते आज सभी हरियाणा में सब्जी मंडियां बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को और किसानों को सभी को परेशानियां हो रही है। एसोसिएशन ने चेताया है कि यदि सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। ये सरकार द्वारा एक नया कानून लागू कराया है जो कि बिल्कुल सरेआम गलत है। उसको तो जो हमारी सेक्रेटरी हैं, जो हमारे और अफसर, उन्होंने नहीं समझ में आ रही भाई कानून है कि साल की फीस इकट्ठी जमा करनी पड़ेगी, साल के 2 साल बाद कितनी बढ़ेगी, जो कि इससे सारा आड़ती वर्ग, पूरा हाल हरियाणा इससे नाराज है। इसके कारण सब आज हड़ताल में है। तो सर ये पूरे हरियाणा, हाँ पूरा हाल हरियाणा सब्जी मंडी बंद है आज। तो पहले भी इस प्रकार कोई कानून बनाया? नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं बनाया। ये फीस तो एक बार कांग्रेस सरकार में बिल्कुल फ्री होगी थी, फिर बीजेपी सरकार आई तो दोबारा 2% फीस लागू कर दी गई थी। वह जो ठीक ठाक चल रही थी उसके चलते चलते एक नया कानून और पेश कर दिया भाई, साल की एडवांस नहीं तो हर सोमवार जिसका माल जितना आया करता वो लिखा जाया करता, उसके हिसाब से हर सोमवार को फीस भरी जाया कर दी, जो कि सरकार ने कर दी भी साल के अप्रैल के पहले हफ्ते में अपनी पूरे साल की रेशो हिसाब से लगाकर 10% बताया फीस भरनी पड़ेगी। तो सर ये क्यों फीस बढ़ाई गई है, कुछ रीजन तो सरकार बताए इसका, बस सरकार बताओगी क्यों बढ़ाई गई। आए अब तब नहीं, मुश्किल हो जाए, एक साल की 7-8 लाख रुपये एकदम कहाँ से जमा करवाओगे, और आज इस साल में मेरा काम बढ़िया, अगले साल मंदा, सब्जी का भाव तो आज का कुछ है कल का कुछ है, आज प्याज बिक रहा 40 रुपये मन मना, अगले साल नहीं बिका 8 रुपये भी, 4 रुपये भी, तो ऐसे कैसे फीस भरी जाओगी। जो इस तरह ये गरीब तबके रेट लगाने तो परेशान है, इसमें तो जमींदार भी परेशान है, गरीब तबका भी परेशान है, जमींदार भी परेशान है, परेशान तो सभी हैं, हम भी तो पूरे परेशान हैं भाई। जो हमारे जमींदार परेशान हो गए भाई, जो हमारे पास लेबर लग रही है कि दुकान पर 5-7 आदमी काम करें, हमने उनकी तनख्वाह भी देनी। तो सर ये कब तक चलेगी? नहीं ये तो आज के लिए है, आगे अगर जो सरकार ने इस बात का कोई कल जवाब नहीं दिया तो फिर दोबारा हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन की एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में फिर फैसला लिया जाएगा, फिर वो आई बात दिल्ली वाली बात है, फिर कितने चाहे जो। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के सब्जी मंडी की, जहां पर सभी आड़ती हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। एसोसिएशन की माने तो सरकार ने नया टैक्स आड़तियों पर थोप दिया है। आड़ती जो सब्जियां बेचते हैं उसके बाद सप्ताह में मार्केट फीस भरते हैं, लेकिन सरकार ने अब कहा है कि एक साल की फीस एडवांस में ही भर दो। सब्जी का रेट कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, ऐसे में सरकार किस हिसाब से मार्केट फीस लेगी? सरकार के इस फैसले से आड़तियों में सरकार के प्रति गुस्सा है। हड़ताल इसलिए की जा रही है, जो गवर्नमेंट है उसने हमारे ऊपर ये प्रेशर डाला गया है कि जो मार्केट फीस है ये पहले पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने तो फ्री कर रखी थी, कोई टैक्स नहीं था। कच्ची सब्जी है, फ्रूट है, इसके ऊपर टैक्स भरना कहाँ की इंसाफी है यार? आम आदमी है, इसका बोझ आम आदमी पे पड़ेगा, खाने वाले पे पड़ेगा, हमारे ऊपर पड़ रहा है। अब हमारे ऊपर प्रेशर ये डाल दिया गया है कि ये फीस आप पहले भरो। मान लो आपकी एस्टिमेटेड सेल है, जितनी भी आपकी सेल है उसकी 2% फीस हमें दो, उसके 1% पहले दो और 1% बाद में दो। हम बेच रहे फ्रूट सब्जी, मान लो कोई फ्रूट 60 रुपये किलो है, फसल का 60 रुपये किलो है इस साल, अगले साल 20 रुपये किलो है, फीस तो 60 रुपये किलो ही भरनी पड़ेगी, हम कितने भरेंगे भाई? मान ले सेब की इसके साल तेजी थी, अगले साल तो 20 रुपये किलो भी सेब होगी,
टमाटर है 100 रुपए किलो भी बिका है, 200 रुपए किलो भी बिका है, 10 रुपए किलो भी बिकेगा, फीस क्या क्या नहीं भरेंगे। जब पिछली सरकार ने माफ कर दी थी फीस 10-15 साल 20 साल माफ रही है, तो इस गवर्नमेंट ने यह फीस लागू करने की क्या जरूरत थी। या तो कच्चा फ्रूट है तो आज नहीं बिका तो सड़ जाएगा। मान ले मेरा कोई फ्रूट 50 रुपए किलो का रहा है या 20 रुपए किलो का रहा है, और आज वो बिका नहीं, मौसम खराब है, बारिश होगी, 50 रुपए किलो का फ्रूट पूरा वाले हरियाणा में देखिए चोटिया कितने का होगा, और 10 रुपए किलो में बेचना पड़ेगा, अटती ने सड़ा होगा थोड़ी उन्हें, और वो 10 बीघे अगर 20-50 की भर रहेगा। रीजन तो सरकार जानेगी, हमने क्या भरा भाई, हम सरकार थोड़ी है, हम सरकार थोड़ी है, हम रीजन पता होगा। सरकार ने तो अपनी जेब गर्म करनी है, मैं बताऊंगा पैसे चाहिए गवर्नमेंट को काम खाई के। जो भी ना गवर्नमेंट ने, देखो मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ, जब हरियाणा बनया जब 4% लगाई थी, और फिर इन्हें ये देखा कि भाई इसमें सब्जी महंगी हुआ है, उस सब्जी पे असर पड़ रहा, तो वो 2% कर दी, फिर बंसीलाल ने 4 कर दी, उसके बाद बंसीलाल ने 2 कर दी थी, उसके बाद भूपिंदर हुड्डा ने बिल्कुल हटा दी थी सारी, कोई इस पर मार्केट फीस नहीं थी, और सब गरीबों ने बगैर टैक्स के बगैर मार्केट फीस के ही मंडी में आकर वो मिले थी, तो उनने 4% का 5% का रात हुआ थी गरीब आदमी ने, और इसीलिए उस सरकार ने कांग्रेस गवर्नमेंट ने हटाई थी कि भाई गरीब को महंगी ना मिले सब्जी। अब इस टाइम जो इन्हें टैक्स लिया, अड़ती अपनी दुकान बंद करेंगे क्योंकि ये दे ही नहीं सकते इस तरह, तो जिस तरह इन्हें बनाया है नियम। वहीं आढ़तियों का कहना है कि 20 दिसंबर यानी कि आज सभी सब्जी मंडी बंद रहने वाली है, यदि सरकार ने इसके बावजूद अपने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। सरकार के प्रति आढ़ती गुस्सा है और सरकार को अपना फैसला हर हालत में वापस लेना होगा, अन्यथा आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। हालांकि इस हड़ताल का असर फड़ी रेहड़ी लगाकर सब्जी बेचने वालों या फिर किसानों पर, सभी पर पड़ने वाला है, और साथ ही आम जनता पर भी इसका असर पड़ने वाला है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत की सब्जी मंडी से, जहां पर आज सभी आढ़ती हड़ताल पर हैं, पूरी मंडी को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान हो रही है। वहीं आढ़तियों का कहना है कि अगर जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी। तो आप इस वीडियो, इस खबर को लेकर क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।